मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद लतीफ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक एमपीआरपी कंसल्टेंट हूँ। आज की वीडियो उन मरीजों के लिए है जिनके जोड़ों में तकलीफ है, खास तौर पर घुटने की तकलीफ के मरीजों के लिए। देखें, सबसे पहले तो इसके लिए समझना जरूरी है कि घुटने की जोड़ की तकलीफ की वजह क्या होती है। जब एज 45 से 50 के अराउंड होती है तो हमारी घुटने की जो हड्डी, जिसे चिकनी हड्डी आम लफ्जों में कहा जाता है या और कार्टिलेज कहते हैं, ये घिसना शुरू हो जाती है। इसके घिसने की वजह से जब पेशेंट वॉक करता है या नमाज पढ़ता है, उस वेट देने की वजह से हड्डी टकराती है और पेशेंट को पेन साथ। हड्डी के घिसने की वजह से पेशेंट को शदीद तकलीफ होती है वॉक के दरमियान और नमाज पढ़ते वक्त। इसका इलाज पेशेंट मुख्तलिफ डॉक्टर्स को विजिट करता है जिसमें फिजिशियंस एंड ऑर्थोपेडिक्स हैं, और इसका इलाज सिर्फ ये किया जाता है, इसके पेन को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है, और उस मेडिकेशन को स्टॉप करने के बाद पेशेंट को दोबारा तकलीफ शुरू हो जाती है। इसका एक इलाज तो ये भी है कि पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें एक्सरसाइज और कुछ रहन सहन के तरीका है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसके अलावा इसके इलाज के लिए क्या है कि श्योर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक में इसका इलाज कामयाबी के साथ किया जाता है। इसके इलाज को हम पीआरपी थेरेपी के जरिए या प्रोलोथेरेपी के जरिए करते हैं। पीआरपी मुख्तलिफ फाज में ये है कि हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और पेशेंट का ब्लड ले के उसको मशीन के जरिए तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इसमें से जो ये येलो पार्ट है, ये वाला हम इंजेक्शन में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये पीआरपी बनने के बाद इस पार्ट के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स को पेशेंट के नी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कुछ मरीजों को कम दो सेशन की जरूरत होती है, कुछ मरीज एक सेशन में बेहतर हो जाते हैं, कुछ मरीजों को मल्टीपल सेशन की जरूरत पड़ती है। और पीआरपी की डिटेल के लिए भी लिंक में डिस्क्रिप्शन मौजूद है। थैंक यू।